श्री राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे गोपालक की असीम कृपा से आज की प्लानिंग कुछ और ही है। आज वैक्सीनेशन डे भी है हमारा, फर्स्ट डोज, और आरएसएस ग्रुप जाने की प्लानिंग है। अब देखिए क्या क्या होता है, सब कन्हैया जी के ऊपर है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऑल इज वेल, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, स्माइल प्लीज। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे राधे। सरकारी अस्पताल में आज कोविड डे है, तो इंजेक्शन लग रहा है वैक्सीनेशन, कोविड टीकाकरण। इधर जेंट्सों का हो रहा है, इधर लेडीज का। दूसरा है पीछे, देखिए मैडम। दूसरा है पीछे, देखिए मैडम। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। अब आप लोग सुंदरकांड पढ़ रहे हैं ना, तो उसी के ऊपर से जाइए, जो रामायण पढ़ रही है। अपि स्वर्णमयी लंका, नमे लक्ष्मण रोचते, नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसि, स्वर्गादपि गरीयसि। जननी जन्मभूमि की, जननी जन्मभूमि की जय। जय। देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम व्रतम, देश रक्षा परम व्रतम, देश रक्षा परो यागः, देश सेवा रतो भवेत, देश सेवा रतो भवेत। भारत माता की जय। माता की जय। ये दो श्लोक सब लोग याद कर लेंगे। दीदी आपको लिख कर दे देंगी या किसी एक के मोबाइल पे भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। ये दो श्लोक हम अगले बार जब मिलेंगे तो दो श्लोक याद करेंगे, तो अपने पास दो हो जाएंगे। फिर बाद में आप लोग अपने से तय करना कि मैं एक कोई भी सुबह कहीं से भी नया खोज के ढूंढ के याद करूंगी। अर्थ सही, पहले वाले का अर्थ समझ में आ गया आप लोगों को सबको, है ना। अपि स्वर्णमयी लंका, नमे लक्ष्मण रोचते, कब का, कब का प्रसंग है ये भी पता होना चाहिए। हाँ, राम का वनवास, जब राम ने जब लंका जीतने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा था कि हमको यहीं पे रहना चाहिए, बहुत सुंदर लग रहा है, तब राम जी ने कहा था यदि बहुत सुंदर है, सोने की है, फिर भी हमको अपनी जगह अपनी जगह, और तब उन्होंने विभीषण करा चल। तो वो करेंगे क्या कहते हैं, अभी हम एक रजिस्टर दे रहे, सब अपना नाम और पता लिखने की एक ग्रुप बना देंगे, कोई भी सूचना होगी उसमें फालतू की कोई सूचना नहीं है। आप में से किसी का भी जिसका नाम स्वागत है सेविका। शिवा के वंशज हैं हम, राणा के संतान हैं, वीर शिवा के वंशज हैं हम, राणा के संतान हैं, वीर शिवा के वंशज हैं हम, राणा के संतान हैं। फूल
कान है। वीर शिवा के वंशज है, हम राणा की संतान है। ये धरती बलिदानों की, भीड़ लगी वरदानों की, गिनती क्या मधुगानों की, चंद्रगुप्त के अनुयायी हम, चंद्रगुप्त के अनुयायी हम, विक्रम के जयगान है, विक्रम के जयगान है। वीर शिवा के वंशज है, हम राणा की संतान है। वीर शिवा के वंशज है, हम राणा के संतान है। हमको पढ़ना आता है, ऋतु से लड़ना आता है, ऋतु से लड़ना आता है, रण में अड़ना आता है, रण में लड़ना आता है। तिलक गोखले प्रताप वाले, तिलक गोखले प्रताप वाले। आदरणीय शशि दीदी जी का एक बच्चा है, बोलते ये ग्राम धोबी सरगा, तहसील बारघाट, जिला शिवनी, मध्य प्रदेश की निवासी है। शिक्षा एम ए राज्य शास्त्र में है। समित दृष्टि से प्रशिक्षण प्रवीण वर्ग, समित आयु 21 वर्ष, 2006 में विस्तारिका, 2007 प्रचारिका के रूप में कार्य प्रारंभ किया। जिला विभाग संभाग की जिम्मेदारी रही। 2013 में महाकौशल प्रांति की प्रांत प्रचारिका की जिम्मेदारी मिली। केंद्र जबलपुर व 2016 से केंद्रीय बौद्धिक पुल की सदस्य है। 6 अगस्त 2021 से पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्रचारिका व केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी प्राप्त की है। केंद्र लखनऊ है। आगे हमें माननीय आदरणीय शशि दीदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त। प्रस्तुत करेगा तो उसकी बात समाज में जब वो बोलेंगे खड़े होकर के तो सब सुनेंगे। तो वंदनी मौसी जी ने जब संगठन शुरू किया तो उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण से ये सिखाया कि जो बात हम चाहते हैं कि समाज में ये होनी चाहिए, उसके लिए पहले हमको स्वयं को करना पड़ेगा। तो उनके बच्चे बड़े थे तो वो संघ की शाखा में जाते थे। तो शाखा में जाने के कारण वहाँ पर होता था कि केवल लड़कों को ही बुलाया जाता था। उनके पति के मतलब बाद में निधन हो गया, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर उनके भी दो बच्चे से 6 बच्चों की वो माँ थी। उनके घर में जेठानी थी, वो भी विधवा थी। तो ऐसे महिलाएं थे और ये 6 बच्चों का पालन पोषण और अपने घर में गांव की खेती भी देखना, घर भी चलाना और इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में जो उस समय चलता था, क्योंकि 1936 में संगठन शुरू किया तो उसके पहले से उनके मन में कुछ तो चलता रहा होगा। आज अचानक कोई कह ले कि हम जाके जैसे आज की बैठक तय करना हो तो कल दीदी आई होंगी या पहले से योजना बनी होगी, फिर फ़ोन किया होगा, फिर आप लोगों को बताया होगा कि आप यहाँ इतने बजे बैठना है, इतने बजे आएंगे। तो योजना रचना पहले से बनानी पड़ती। तो संगठन शुरू करने से पहले वंदनी मौसी जी के मन में भी कई वर्षों से विचार चलते रहे होंगे। तो ऐसे विचार उनके मन में बचपन से थोड़ा चलते थे कि हमारे देश में ये अंग्रेजों का राज है और हमको सारे अपनी चीज़ों को ना मानते हुए उनकी चीज़ों को मानना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे उनके मन में विचार आते रहते थे। तो जैसे एक विचार, उनके विवाह हो गया था उसके बाद उनके भाई को एक बार स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करते हुए जेल हो गई। तो आज भी है कि लड़की के ससुराल में अगर मायके में कोई ऐसी घटना घट जाए तो बोलते हैं बताना नहीं तुम अपने घर में, नहीं तो तुम्हारे घर वाले तुमको परेशान करेंगे।
तो वंदनी मौसी जी के घर में भी, लक्ष्मीबाई जी के घर में भी, उनके मायके में उनके भाई को जेल हुई तो उनको संदेश आया केवल उनके लिए और उन्होंने बोला कि घर में किसी को मत बताना। तो वंदनी मौसी जी ने बोला कि ये नहीं बताना, मतलब ये कोई मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मेरा भाई कोई जेल मतलब गया है तो कोई चोरी करके डाका डाल के या किसी की इज्जत पर गलत दृष्टि से देखकर या कोई ऐसा आतंकी काम करके नहीं गया है, वो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए वो अंग्रेजों ने उसको अंदर किया, तो मतलब ये अपने देश के लिए लड़ना, उसके लिए सजा भुगत करना, ये कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे घर में मैं स्वाभिमान से बताऊंगी कि मेरे भाई के विचार